मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर मचे घमासान के बीच अब ओबीसी वर्ग के हितों को लेकर सरकार की संजीदगी पर कानून के जानकारों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। मध्य प्रदेश सरकार की रिकॉल पिटीशन पर सवाल खड़े करते हुए कानून के जानकारों ने कहा है कि 17 तारीख के फैसले पर रिकॉल पिटीशन दायर करने से ओबीसी वर्ग को कोई फायदा नहीं होगा। कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि 15 और 17 के फैसले सुप्रीम कोर्ट की डबल जजों की बेंच ने दिए हैं, जबकि मूल आदेश गबली केस में 3 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया है। ऐसे में तकनीकी तौर पर डबल जजों की बेंच 3 जजों की बेंच के फैसले को नहीं पलट सकती, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार को गबली केस में रिकॉल पिटीशन दायर करनी चाहिए थी, ना कि 17 दिसंबर के फैसले को रिकॉल पिटीशन दायर करनी चाहिए थी। कानून के जानकारों का यह भी कहना है कि सरकारी वकीलों की सुप्रीम कोर्ट में खामोशी के चलते पहले ही मामला बिगड़ चुका है। ऐसे में सरकार एक बार फिर इस केस को ठीक से हैंडल नहीं कर रही है। इसमें लोकल बॉडी इलेक्शन में रोटेशन की प्रक्रिया फॉलो नहीं हो रही थी, उसको लेके कुछ लोग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया कि रोटेशन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द इलेक्शन, जिसको लेके मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली पिटीशन फाइल की, जिसकी हेयरिंग 15 दिसंबर को हुई। 15 दिसंबर में हाईकोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने, साथ ही साथ ओबीसी के रिजर्वेशन को भी खत्म कर दिया लोकल बॉडी इलेक्शंस में। परंतु जो रिकॉल एप्लीकेशन फाइल की जा रही है वो 17 तारीख के ऑर्डर की जा रही है। 17 तारीख का भी ऑर्डर सेम ऑर्डर है जो 15 तारीख को हुआ है, तो जब तक 15 तारीख के ऑर्डर में रिकॉल एप्लीकेशन नहीं फाइल होगी तो ये ऑर्डर रिकॉल हो ही नहीं सकता टेक्निकली। और देखने जो गबली का जो जजमेंट है महाराष्ट्र को लेके, वो 3 जज बेंच का है और ये दोनों के दोनों ऑर्डर 2 जज बेंच के हैं। सो सबसे पहले वो गबली वाले जजमेंट में रिव्यू पिटीशन फाइल करना पड़ेगा, उसके बाद इन दोनों मैटर्स में रिकॉल एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। और करेंगे सहयोगी कुमार इंदर का, जबलपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार इंदर, अब एक बड़ा सवाल ये भी कि रिकॉल पिटीशन को लेकर जो यहाँ पर पेच फंसता नजर आ रहा है, उन सब के बीच में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अब जो कदम उठाए गए हैं, क्या उसमें भी वाकई कहीं ना कहीं खामी है? क्योंकि संविधान ये कहता है और साफ साफ ये कहता है, आज नहीं पहले भी इस तरह के फैसले हुए हैं। साफ ये कहता है आज नहीं पहले भी इस तरह के फैसले हुए हैं कि जब कोई बड़ी संवैधानिक बेंच किसी मामले का फैसला सुना देती है, मतलब 2 जजों से ऊपर की बेंच यदि फैसला सुनाई है, तो लिहाजा बड़ी बेंच के फैसले को आपको पहले करेक्शन करना होगा, आपकी मांग को पहले वहां सुनाना होगा, क्योंकि 3 बेंच के जजों ने जो है वो ऑलरेडी गबली केस में, महाराष्ट्र के गबली केस में अपना फैसला सुना दिया है। उन लोगों ने भी निकाय चुनाव को लेकर वहां पे जो पिटीशन लगी थी उसमें यही बात उठा था कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है 17% से ऊपर जा रहा है, लिहाजा गबली केस में 3 जजों की बेंच है सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने स्टे लगाया था, न केवल स्टे लगाया था बल्कि महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने पूछा था कि आप किस आधार पे जो है ओबीसी को आरक्षण दे रहे हैं, इसकी एक रूपरेखा करें और उसका एक 3 लेवल पर टेस्ट तैयार करें। उसी लेकर जो मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर जंग छिड़ा था, उसको लेकर सरकारें और विपक्ष पार्टियां और कई याचिकाकर्ता हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने महाराष्ट्र के उसी केस को, जो केस गबली केस पे आया था, उसी को आधार बनाकर जो है मध्य प्रदेश में ओबीसी की सीट पे स्टे किया है और ये कहा है कि ओबीसी की सीटों को आपको जनरल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इनको फिर से नए सिरे से इनके चुनाव जारी होंगे। कुमारिंदर खबर को विस्तार से बताने के लिए। तो ऐसे में अब मामला जो है वो फंसता जा रहा है, लेकिन सबके बीच में अब देखना होगा कि सरकार क्या कुछ कदम इसमें आगे उठाती है।